शायद पता है कि आज के डेट पे बहुत सारे लोग फेसबुक पेज को क्रिएट करके अच्छी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो फेसबुक पेज क्रिएट करना, देन आज के इस वीडियो पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं कि कैसे आप लोग एक फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए आपके पास एक फेसबुक प्रोफाइल होना चाहिए। अगर आपके पास फेसबुक प्रोफाइल नहीं है देन सबसे पहले फेसबुक का प्रोफाइल क्रिएट कर लो। एंड जैसे ही फेसबुक का प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे आपके सामने फेसबुक कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ जाएगा। तो जैसे ही आपके सामने इस टाइप से आ जाए अभी आपको करना है तो सिंपल से आपको करना है, आपको यहाँ पर जो है एक थ्री लाइन देखने के लिए मिल जाती है फेसबुक अकाउंट पे, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। है ठीक है ना, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। अभी आपको करना है सिंपल से आपको नीचे आ जाओ एंड यहाँ पर एक मिल जाती है पेजेस का ऑप्शन। तो ये जो पेजेस का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। सिंपल से हमें पेजेस के ऊपर क्लिक कर देते हो। जैसे मैंने पेजेस के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर मेरा जो भी सारा पेजेस है यहाँ पर नीचे पे शो हो जाएगा। अगर आपका अभी तक आपने एक भी पेजेस क्रिएट नहीं कराया देन आपके सामने यहाँ पर कोई भी पेजेस वगैरह नहीं आएगा। आपको सिंपल से ऊपर में जो क्रिएट का बटन देखने के लिए मिल जा रहा है इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का एक पेज आ जाती है कि क्रिएट योर पेज। तो सिंपल से आप लोग देख सकते हो नीचे पे गेट स्टार्ट का एक बटन दिया हुआ है, तो सिंपल से हमें कर देना है उस पर क्लिक। जैसे हम गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पर हमारा जो फेसबुक पेज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर अभी हमें एक एक स्टेप को फिल करना है एंड हमारा जो पेज है सक्सेसफुली क्रिएट होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते पर बताया जा रहा है कि आप अपना फेसबुक पेज का जो नेम देना चाहते हो वो नेम आप लोग एंटर कर दो। तो यार मैं यहाँ पर मेरा जो नेम है फेसबुक पेज का वो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सिंपल से मैं जो इस पे मेरा जो नेम है मैंने इस पे दे दिया। मेरा जो फेसबुक पेज पे मैं जो भी नाम देना चाहता हूँ मैंने इस पे दे दिया। देने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर दोगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है कि यार आपका जो नेम है वो इनवैलिड है। तो हमें करना क्या है, तो सिंपल से आपने करना क्या है कि आपको इस तरह से कैपिटल में सारा कुछ लिखना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो हम सिंपल से इस स्टेप से लिख लेंगे। तो इस स्टेप से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना, जैसे लिख लोगे आपको सिंपल से नेक्स्ट कर देना है। एंड जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपका जो यूजर नेम है वो जो ऐड हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो पेज है वो कौन सी कैटेगरी पे आती है। तो सिंपल से हम इस पे यहाँ पर सर्च कर लेंगे जो कि डिजिटल क्रिएटर या फिर ओके देख सकते हो यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर आ रहा है। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। देन आपको सिंपल से क्रिएट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दोगे आपका जो पेज है थोड़ा सा लोडिंग लगा एंड जो नेक्स्ट पेज है उस पर आपको ले जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है कि यू विल क्रिएट योर फेस। एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो गोल्स है वो क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो प्रोमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो यानी कि कोई भी एक सर्विस सेल वगैरह करना चाहते हो तो हमें वो नहीं करना है। हमें करना है क्या, कॉन्टेंट हमको क्रिएट करना है एंड हमें जो है फैंस के साथ हमें कनेक्ट होना है। तो सिंपल से आप यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा जो बेस्ट फॉर क्रिएटर एंड पर्सनल ब्रांड आ रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है। करने के बाद सिंपली कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके सामने इस स्टेप से आ जाएगा कस्टमाइज योर पेज। अभी हमें पेज को कस्टमाइज करना है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप लोग कैसे आप अपना पेज पे फोटो को सेट करोगे। तो सबसे पहले हम लोग इस कैमरे के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने क्लिक किया अलाउ कर देंगे। एंड अलाउ करने के बाद सिंपल से अलाउ कर देना। ठीक है ना, एंड जो भी सर आएगा अलाउ कर देना। एंड आपको अपना जो भी फोन की डिवाइस पे आपसे एक जो फोटो ले लेना है। तो जैसे मैंने जो यहाँ पर मेरा एक फोटो जो है यहाँ पर मैंने ले लेता हूँ, बट यहाँ पर फोटो जो है सेव नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा मैं फिर से ले लेता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो फोटो है सक्सेसफुली आ चुका है। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड मेरा जो बैनर है उसको मैं बाद में सेट करने वाला हूँ। तो सिंपल सा हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर लोडिंग होती रहती है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है कि बिल्ड योर फेस ऑडियंस, यानी कि यहाँ पर इन्वाइट फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप अपना फ्रेंड को आप अपना पेज को इन्वाइट करना चाहते हो देन आप लोग इन्वाइट फ्रेंड के ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। तो हम इसको नेक्स्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नीचे पे जो नेक्स्ट का बटन मिल रहा है इस पर हमें कर देना है क्लिक। जैसे हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर देख सकते हो ऐड योर फेवरेट टू, यानी कि आपका जो एंगेजमेंट है तो आप लोग इस पर देख सकते हो। एंड सबसे पहले आपको नीचे पे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पेज नोटिफाइड योर प्रोफाइल एंड यहाँ पर देख सकते हो मार्केटिंग एंड प्रोमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज। हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, इस पर डांड के ऊपर क्लिक कर देंगे। नीचे वाला जो ऑफ है इसको ऑफ ही रखने देंगे एंड डांड के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने डांड के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर देख सकते हो स्विचिंग टू भास्कर आ रहा है, यानी कि हमारा जो प्रोफाइल से जो पेज हमने क्रिएट किया उस पर जो हमारा फेसबुक हो जाए स्विच हो रहा है। तो जैसे ही हमने स्विच किया यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो पेज है कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाती है। वेलकम टू योर न्यू पेज एंड यहाँ पर स्टार्ट टूर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया आप लोग यहाँ पर कुछ यहाँ पर चीजें देख सकते हो, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपल से डांड के ऊपर क्लिक कर देना।
जैसे क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज आ जाएगा। अभी आपको करने का सिंपल सा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपका जो पेज का जो डिटेल से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है एंड सी योर ऑल अबाउट क्लिक कर दो, देन यहाँ पर आपको जो कुछ भी यहाँ पर ऐड किया हुआ नहीं मिलेगा। तो आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, आपका ईमेल एड्रेस एड्रेस वगैरह आप लोग ऐड कर सकते हो, फोन नंबर वगैरह, तो हम लोग इसको नेक्स्ट में भी कर सकते हैं। तो जैसे आपके सामने इस टाइप से आ जाए देन सी डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक कर देना। जैसे आप सी डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके सामने इस टाइप से आ जाएगा स्टार्ट विथ लेवल एक्सप्लोर ऑन योर ओन। तो देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। तो हम लोग सिंपल से एक्सप्लोर विथ लेवल्स के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया यहाँ पर देख सकते हो तो मेरा जो लेवल आ रहा है इसको ऑन आ रहा है। तो सिंपल से हम नीचे पे बैक कर लेते हैं और आपके सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगा। जैसे आपके सामने इस टाइप से आ जाएगा देख सकते हो यहाँ पर आपका जो भी सारा कंटेंट वगैरह पब्लिश वगैरह हुआ सारा कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपका रीच एंगेजमेंट फॉलोअर्स वगैरह इस पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जैसे आप मान के चलो कि मोनेटाइज के ऊपर क्लिक कर देते हो ना, देन आपके सामने यहाँ पर आ जाती है आपका मोनेटाइजेशन वाला पेज। तो इस पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो अभी एक भी जो एलिजिबल नहीं है क्योंकि हमने अभी अभी पेज को क्रिएट किया है। तो बट इसी टाइप से आप लोग इसे पेज को क्रिएट कर सकते हो एंड आप अपना जो भी सारा कंटेंट वगैरह आप लोग इस पेज पे शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप लोग फेसबुक पेज पे वीडियो अपलोड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए मैंने जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो देन जोर से पेज को फॉलो कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। तो यार फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो यार चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।